chemical equilibrium. Basically, there are two types of reaction. There are two types of reaction. पहला category irreversible reaction. Second category is a reversible reaction. There are two types of reaction. ये हम लोग chemical kinetics में ही पढ़ चुके हैं कि irreversible reaction and reversible reaction. Irreversible reaction can happen in all direction. Can happen in only but reversible reaction can happen. Reversible reaction can happen in both direction. Reversible reaction can happen in both direction. जैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर इज गिविंग पी एक सिंगल एरो से, लेकिन अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो हम लोग उसको लिखेंगे ए रिवर्सिबल बी रिवर्सिबल एरो के साथ. ए बी भी बना रहा है और जैसे जैसे बी बनना शुरू हुआ बी फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में ए भी बनाना शुरू कर दिया. जो रिएक्शन दोनों तरफ से हो सकता है उसे हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जो सिर्फ एक ही तरफ से हो सकता है उसे हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. इसका एक बहुत छोटा सा प्रूफ हम लोग बहुत पहले देखे कि सपोज एक क्लोज्ड कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके बनाने लगे अमोनिया NH3. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके बनाया अमोनिया. जब हम लोग इस कंटेनर के अंदर कुछ ड्यूटेरियम गैस भी इंट्रोड्यूस कर दिए, तो वी गॉट NH3 ऑल्सो, वी गॉट NH2D ऑल्सो, वी गॉट NHD2 ऑल्सो एंड वी गॉट ND3 ऑल्सो. ये सारे के सारे सैंपल पाए गए. इससे ये साबित हो रहा है कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके कंप्लीटली अमोनिया बना चुका था तो फिर ये ड्यूटेरियम लगा हुआ अमोनिया कहां से हम लोग को मिला. इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जरूर अमोनिया फिर ब्रेक कर रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, और वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कोलाइड करने के बजाय अगर ड्यूटेरियम के साथ कोलाइड अगर कर गया तो वो ड्यूटेरियम लगा हुआ अमोनिया भी बन रहा है. तो ये एक बहुत ही सिंपल सा और एक छोटा सा प्रूफ हम लोग को मिला जिससे कि यह साबित होता है कि रिएक्शन दोनों तरफ से चलता है. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया भी बना रहा है, साथ में अमोनिया ब्रेक करके वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी दे रहा है क्योंकि हम लोग को अमोनिया में ड्यूटेरियम लगा हुआ प्रोडक्ट मिला. सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वन विच हैपन्स इन ओनली वन डायरेक्शन बट द अदर विच कैन हैपन इन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. लॉ ऑफ मास एक्शन फिर से लिखो जो हम लोग काइनेटिक्स में लिखे थे. लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास. द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट. द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट एक रिएक्शन कंसिडर किए ए ऑफ ए बी ऑफ बी रिवर्सिबल सी ऑफ सी डी ऑफ डी. ये रिएक्शन दोनों तरफ से हो रहा है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है.
रिवर्सिबल रिएक्शन चूंकि दोनों तरफ से हो रहा है इसलिए हम लोग दोनों तरफ का रेट बताएंगे, रेट फॉरवर्ड एज वेल एज रेट बैकवर्ड. फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट, रेट फॉरवर्ड. बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट, रेट बैकवर्ड. लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. एक्टिविटी ऑफ ए टू द पावर ए, एक्टिविटी ऑफ बी टू द पावर बी. सिमिलरली द रेट बैकवर्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. फॉरवर्ड के लिए तो ए और बी रिएक्टेंट हो गया और बैकवर्ड के लिए सी और डी रिएक्टेंट होगा. एक्टिविटी ऑफ सी टू द पावर सी, एक्टिविटी ऑफ डी टू द पावर डी. नाउ एक्टिव मास या एक्टिविटी, एक्टिव मास जिसको हम लोग एक्टिविटी भी कहते हैं, दिस एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. एक्टिव मास जितना ज्यादा सब्सटेंस का क्वांटिटी होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एक्टिव मास मास के बराबर नहीं होता है. अगर हम 10 ग्राम आयरन ले रहे हैं तो उसका एक्टिव मास 10 ग्राम नहीं है, उसका एक्टिव मास एक है. प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड हमेशा एक, ये हम लिखवा देंगे आपको, काइनेटिक्स में भी लिखवाए थे. लॉ ऑफ मास एक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही वैलिड होता है. हम लोग सीधे कोफिशियंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, काइनेटिक्स की तरह अल्फा और बीटा ऑर्डर नहीं लिख रहे. रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वैलिड होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग हर सब्सटेंस का एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं. एक्टिव मास क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा एक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस का. एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड इन अ एक्सपेरिमेंटल वे. एक्टिविटी इज मेजर्ड, एक्टिविटी इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली. एक्टिविटी इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, ये एक एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी होता. हायर केमिस्ट्री में हम लोग फ्यूगासिटी डिस्कस करते हैं, वो हम लोग अभी यहां डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी आप सीधे सीधे ये मान के चलिए कि एक्टिविटी हमेशा एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया जाता है, चाहे सॉलिड का, चाहे लिक्विड का, चाहे एलिमेंट का, कंपाउंड का, गैस का, हर चीज का एक्टिव मास एक्सपेरिमेंट करके पता किया जाता है. समझ में आ रहा है? लेकिन हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास या एक्टिविटी उसके क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. क्वांटिटी बढ़ा तो उसका एक्टिविटी बढ़ेगा, क्वांटिटी घटा तो उसका एक्टिविटी घटेगा. लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि रिएक्टेंट से रिलेटेड है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहता है कि एक्टिव मास ऑफ एनी आइडियल गैस इज ऑल. दैट इज किसी भी आइडियल गैस का एक्टिव मास या एक्टिविटी पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है. मान लो ये रिएक्शन में बी जो है वो गैस है, तो अगर ये गैस है तो इसका पार्शियल प्रेशर जो भी होगा वही उसका एक्टिविटी होगा. तो हम एक्टिविटी ऑफ बी के बदले क्या लिख देंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी. समझ में आ रहा है? एक्टिव मास ऑफ एनी आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन ये हमेशा किसके बराबर होता है? मोलैलिटी के बराबर होता है. लेकिन मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों लगभग बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा मोलैरिटी में काम करेंगे. किसी भी आइडियल सॉल्यूशन, डाइल्यूट आइडियल सॉल्यूशन का एक्टिव मास या एक्टिविटी हमेशा मोलैलिटी या मोलैरिटी के बराबर होता है. एक्टिव मास ऑफ एनी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का एक्टिव मास हमेशा. अरे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे थे ना, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड आ रहा था, वन आ रहा था कि नहीं आ रहा था? हर जगह वन ले रहे थे. यही कारण है हर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास हमेशा वन के बराबर होता है. चाहे एक किलो आयरन लो या सौ किलो आयरन लो, उसका एक्टिव मास इज ऑलवेज वन. रीजन, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता.
अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज पाया जाए तो उसका एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। जहां कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज ना करे वहां एक्टिविटी क्या बोलते थे वन। जैसे प्योर लिक्विड वाटर, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कभी चेंज करता है? तो जिस चीज के कॉन्सेंट्रेशन में, मोल फ्रैक्शन में, कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, प्रेशर में चेंज ही नहीं आ रहा है, उसको हम लोग एक्टिविटी क्या कर देते हैं? वन कर देते हैं। एनी रियल गैस इज गामा मल्टीप्लाइड बाय पी, इज कॉल्ड एक्टिविटी कोफिशियंट। एक्टिविटी कोफिशियंट। सिमिलरली एक्टिव मास ऑफ एनी रियल सोल्यूशन इज अगेन गामा मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी। गामा इज एक्टिव। आइडियल केस में यही गामा का वैल्यू वन के बराबर हो जाता। आइडियल केस में गामा का वैल्यू वन, इसीलिए प्रेशर और सीधे हम लोग लिख दे रहे हैं मोलारिटी। लेकिन रियल केस में गामा का वैल्यू दिया हुआ होगा। खैर, ये दोनों उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना कि ये तीनों इंपॉर्टेंट। फिर से हम समझा रहे, हर सब्सटेंस का अपना एक एक्टिव मास होता है। जैसे मेरा भी अपना एक एक्टिव मास है, भले ही मेरा वजन 80 किलो है, लेकिन 80 किलो मेरा एक्टिव मास नहीं है। हम पूरा का पूरा प्योर है, मेरा एक्टिविटी कितना? वन। प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, एक्टिविटी इज वन। वन कहां से आया? एक्सपेरिमेंट करके आया। एक्सपेरिमेंट करके ही हर सब्सटेंस का एक्टिविटी निकाला जाता है, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हम तुम लोग के सामने डायरेक्ट लिख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, कौन सा इक्वेशन होता है, वो हायर केमिस्ट्री, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? अब अगर आपको पता है कि ए और बी, सी और डी क्या क्या चीज है, तो उसके हिसाब से आप एक्टिविटी यहां पर बिठा लोगे। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, याद रखिएगा। क्लियर? अगर किसी इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, जैसे R गिविंग P, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये सब हम लोग देख चुके हैं। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम लोग किसी इरिवर्सिबल रिएक्शन का रेट वर्सेस टाइम देखें, रेट तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन चलता है, इसलिए रेट समय के अनुसार घटता है। कारण, समय के अनुसार जब ए और बी कम होता चला जाएगा तो उनकी एक्टिविटी भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। अगर एक्टिविटी कम होगा तो रेट भी कम होगा समय के अनुसार। रिएक्शन जब शुरू होगा और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो आर का एक्टिविटी कम होता चला जाएगा, क्योंकि इसका क्वांटिटी कम होता चला जा रहा है, इसलिए रेट भी कम होता चला जाएगा। क्लियर? बट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सपोज रिवर्सिबल रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल बी, ध्यान देना, अगर हम सबसे पहले रेट ही ड्रॉ करें, रेट वर्सेज टाइम, टाइम जीरो पे क्या लिए थे? सिर्फ ए लिए थे, ए का क्वांटिटी मैक्सिमम है, तो रेट फॉरवर्ड मैक्सिमम। जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगा, ए घटेगा और बी, ए घटेगा तो उसका क्वांटिटी घटेगा तो एक्टिविटी घटेगा तो रेट भी घटेगा। धीरे धीरे रेट फॉरवर्ड घटते चला जा रहा है, लेकिन ए घट रहा है तो बी बढ़ रहा है। जैसे ही बी अगर बढ़ा तो बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट बैकवर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। पहले बी का क्वांटिटी जीरो था, एक्टिविटी जीरो था, रेट जीरो था, धीरे धीरे बी बढ़ना शुरू हुआ तो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट भी बढ़ना शुरू हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? अगर एक ग्राफ घट रहा है, दूसरा ग्राफ बढ़ रहा है, एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि जब घटते घटते और बढ़ते बढ़ते ये दोनों एक जगह पे मिल जाएंगे, और जिस वक्त मिलेंगे उस वक्त हम लोग बोलेंगे कि रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड हो गया, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन। और जिस टाइम पे रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड हुआ उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट में एवरी रिएक्टेंट
and every product, every reactant and every product becomes constant in active mass. Equilibrium point where every reactant and every product will become constant in its active mass. Every reactant and every product will become constant in its active mass. So, A ka ghatna kis rate se? Rate forward se. Aur A ka badhna kis rate se? Rate backward se. To agar rate forward aur rate backward agar barabar ho jaye, to A ka ghatna aur A ka badhna बराबर हो गया तो ए कैसा दिखेगा कांस्टेंट ए कैसा दिखेगा कांस्टेंट ध्यान रखना रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट कांस्टेंट इन क्वांटिटी हो जाते हैं देखने में लगता है कि रिएक्शन रुक गया लेकिन रिएक्शन चल रहा है इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब मान लो एक सीसॉ है सीसॉ पे इधर भी बैठ गया कोई इधर भी बैठ गया कोई बराबर वजन वाला रुक गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा था लेकिन अगर मान लो एक चैम्बर इस चैम्बर में ए आ रहा है और ए जा भी रहा है जिस रेट से ए आ रहा है उसी रेट से ए जा भी रहा है यहां भी मेरे को कांस्टेंट दिखेगा लेकिन प्रोसेस तो चल रहा है ना सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर रिएक्शन चल रहा है ये अलग बात है कि रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड बराबर हो जाने के कारण हमें सब कुछ कांस्टेंट दिख रहा है न रिएक्टेंट घट रहा है न प्रोडक्ट बढ़ रहा है सब कांस्टेंट हो गया कारण जिस रेट से फॉरवर्ड जा रहा था उसी रेट से बैकवर्ड भी होने लगा इस कारण से सब कुछ कांस्टेंट हमें दिख रहा है रिएक्शन वर्चुअली रुका हुआ दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन रुका हुआ नहीं है रिएक्शन चल रहा है बस दोनों का रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड बराबर हो जाने के कारण हमें सब कुछ कांस्टेंट दिख रहा है क्लियर और अगर हम ए और बी का कंसंट्रेशन का ड्रॉ करते हैं अगर रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम टी ए का कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटा घट के कहीं भी आ सकता है मान लो यहां तक आ गया बी का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ा जब इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद बी भी कांस्टेंट हो गया ए भी कांस्टेंट हो गया तो जिस टाइम पे रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड हुआ उसी टाइम से इक्विलिब्रियम भी आ गया और वो दोनों के कंसंट्रेशन क्या हो गए कांस्टेंट जिस टाइम पे ये इक्विलिब्रियम आया है रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड बराबर हुआ है बिल्कुल उसी टाइम पे दोनों के कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएंगे कॉन्स्टेंट हो जाएंगे Any reversible reaction definitely achieves equilibrium point. Any reversible reaction definitely achieves equilibrium point at any condition, provided the container is a closed container. Any reversible reaction definitely achieves equilibrium point. At any condition, provided the container is closed container.
कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हर हाल में इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, हर हाल में इक्विलिब्रियम पे जाएगा। शुरू हुआ तो इक्विलिब्रियम पे जाएगा ही जाएगा। हम लोग थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ही मोस्ट स्टेबल कंडीशन होता है रिएक्शन सिस्टम का, इसलिए वो वहां पहुंचता ही पहुंचता है। चाहे कोई भी कंडीशन आप मेंटेन कर लो, कैसे भी रिएक्शन करा लो, रिएक्शन एक बार अगर शुरू हो गया तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। दूसरी बात, प्रोवाइडेड द कंटेनर इज क्लोज्ड। देखो उसका मतलब क्या है, हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करता है हीट करने से। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि हम ये भी पाते हैं कि क्विक लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करो तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है स्पॉन्टेनियसली। अगर यही रिएक्शन को अगर हम खुले कंटेनर में अगर करा रहे हैं, CaCO3 को अगर मान लो हीट कर दे रहे हैं, क्या यहां इक्विलिब्रियम अचीव होगा? नहीं होगा, क्योंकि सारा गैस चला जाएगा एटमोस्फियर, एटमोस्फियर पे निकल गया तो फिर पूरा का पूरा लास्ट में क्या बचेगा? क्विक लाइम ही बचेगा, हीट करने से सिर्फ क्विक लाइम ही बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा ही। लेकिन यही अगर रिएक्शन को अगर आप क्लोज कंटेनर में कराएं, CaCO3 को हीट करें, हीट करते चले जाओ, एक टाइम के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं। ये ब्रेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड आते ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आया एक पॉइंट पे, उसके बाद आप हीट करते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक वक्त आएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड का बनना बंद हो जाएगा, वो पॉइंट क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों मिलकर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, और उसके बाद हीटिंग का दर भी नॉइज पर इट विल कम टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। कहने का मेरा यह मतलब है कि क्लोज्ड कंटेनर में इट इज इम्पॉसिबल, क्लोज्ड कंटेनर में इम्पॉसिबल है कि पूरा कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाए। समझ आ रहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी प्रोडक्ट जीरो नहीं होता, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता। इक्विलिब्रियम पे सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट मौजूद रहेंगे, भले उनका क्वांटिटी ज्यादा रहे कम रहे कुछ भी हो, बट एनी रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज कम्स टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा ही आएगा, चाहे कैसा भी कंडीशन हो जाए। समझ में आ रहा? अगला पॉइंट लिखो, अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड, अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड विथ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। A reversible reaction can be started by either reactant or with product. एक reversible reaction का शुरुआत या तो reactant से करा लीजिए, या तो product से करा लीजिए, या दोनों से करा लीजिए। कहने का मेरा यह मतलब है कि मान लो एक reaction है A plus B, it is giving C plus D. Container में चाहो तो आप A plus B ले लो शुरू में, रिएक्शन शुरू होगा, सी और डी बनेगा, एक वक्त ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, फिर ए बी सी डी सारे के सारे कांस्टेंट। आप चाहो तो कंटेनर के अंदर सी प्लस डी लो शुरू में, सी प्लस डी भी अगर लिए तो सी और डी आपस में रिएक्ट करके ए और बी बनाने लगेगा, अल्टीमेटली ये भी प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम पे ही आ जाएगा। चाहो तो आप एक सारे रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट में से किसी को ले लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डी नहीं है तो ए और बी रिएक्ट करके डी बनाने लगेगा, तब तक बनेगा जब तक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। अगर आपने चारों को इकट्ठे ले लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी रिएक्शन शुरू होगा या तो फॉरवर्ड में या तो बैकवर्ड में रिएक्शन शुरू होगा और फिर वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड आइदर विद द रिएक्टेंट और विद द प्रोडक्ट। आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन का शुरुआत कैसे भी करा सकते हैं, और अल्टीमेटली चारों कंटेनर एक वक्त के बाद इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि चारों में ए बराबर हो, बी बराबर हो, सी बराबर हो या डी बराबर हो, लेकिन चारों कंटेनर में एक वैल्यू जरूर बराबर होगा। अब बताओ, ए
ए और सी लेंगे तो बोलेंगे नो रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन है तो बोलेंगे नो रिएक्शन। हाँ इक्विलिब्रियम, फिर चार हो गए, कैसे इक्वल हो जाएगी, चारों में कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, चारों कंटेनर में सबका कंसंट्रेशन इक्वल नहीं, एक वैल्यू निकालेंगे वो इक्वल। हाँ इक्विलिब्रियम चारों में आएगा, चारों को एक टाइम के बाद देखोगे तो लगेगा कि रुका हुआ है, और चारों में एक वैल्यू दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर आएगा। हाँ बोलो, Kf इज इक्वल टू गलत, Rf इज इक्वल टू Rb होता है, रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड होता है इक्विलिब्रियम पे, कोई जरूरी नहीं। यहां तो क्लियर है, रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम फोर्थ क्वांटिटी of reactant or product reversible reaction जो कि equilibrium पे आ चुका है, सब कुछ constant है, उसे हम disturb भी कर सकते हैं। एक सोया हुआ आदमी है उसको disturb किया जा सकता है, तो सोया मतलब थोड़ी मर गया, dynamic equilibrium जिंदा, सब कुछ चल रहा अंदर, उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। वैसे ही अगर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम को भी हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, सडन टेम्परेचर बढ़ा दिए घटा दिए, प्रेशर बढ़ा घटा दिए, जो कंटेनर में इक्विलिब्रियम था उसका साइज बढ़ा छोटा कर दिए, मान लो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम था, पिस्टन ऊपर नीचे कर दिए, वॉल्यूम चेंज तो प्रेशर भी चेंज, या क्वांटिटी चेंज करके, हो सकता है बाहर से कुछ रिएक्टेंट डाल दें या वहां से कुछ प्रोडक्ट निकाल लें, रिएक्टेंट निकाल उन्हें डिस्टर्ब किया जा सकता है। खैर, A reversible reaction can be disturbed by either changing any of this parameter. But after disturbance also, the reaction will restart either in forward or in backward. Disturbance करने के बाद फिर से वो reversible reaction या तो forward direction में या तो backward direction में फिर से शुरू होगा, और वो ultimately फिर से equilibrium point में पहुंच जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे नया equilibrium point। लेकिन फिर भी पुराने और नए के बीच में वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैल्यू भी चेंज करेगा, वो बात की बात है, लेकिन इतना याद रखना कि एक पुराने इक्विलिब्रियम को छोड़कर एक रिएक्शन नए इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी जा सकता है अगर हम उस रिएक्शन को डिस्टर्ब करें। एनीवे रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पे जाएगा ही जाएगा। द रिएक्शन विल रीस्टार्ट इन आइदर डायरेक्शन, कॉपी करते चले जाओ, द रिएक्शन विल रीस्टार्ट इन आइदर डायरेक्शन and again it will come to the equilibrium point, new equilibrium point. Reaction फिर से शुरू होगा, चाहे forward में या backward में, और उसके बाद फिर वो नया equilibrium position पे पहुंच जाता है। जाकर बैठने का दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस मेड। पुराना इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है,
चाहे फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये शिफ्टिंग को कैसे समझना है ये समझो। अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल भी, हम इसको डिस्टर्ब किए, लेट द डिस्टर्बेंस मेड वॉज डी, डिस्टर्ब करने के बाद हम पाए कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शुरू हुआ, तो हम कहेंगे कि इस डिस्टर्बेंस के वजह से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट किया है। जिस डायरेक्शन में रिएक्शन रीस्टार्ट करता है उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ था जब हम डिस्टर्बेंस किए थे। बात समझ में आ रहा है? नोट करो, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन रीस्टार्ट, इन विच द रिएक्शन रीस्टार्ट, द रिएक्शन रीस्टार्ट ड्यू टू द डिस्टर्बेंस मेड, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस मेड, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस मेड। डिस्टर्बेंस के बाद इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस डायरेक्शन में करता है जिस डायरेक्शन में रिएक्शन फिर से शुरू होता है नया इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए। समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल। अगर मान लो लिखे ए प्लस बी सी प्लस डी, ये पहले से इक्विलिब्रियम पे है, सडनली हम डी निकाल लिए, डिस्टर्बेंस किए भाई। डी अगर निकाल लिए तो डिस्टर्बेंस किए, डी अगर निकाल लिए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा? डी बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन चलेगा फॉरवर्ड, तो हम बोलेंगे डी निकालने के कारण इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड, बी निकालने के कारण इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड, या बाहर से सी डालने के कारण, बाहर से अगर आपने सी अगर डाल दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड चालू हो जाएगा फिर। तो जो डिस्टर्बेंस हम लोग करते हैं उस डिस्टर्बेंस के बाद रिएक्शन जिस डायरेक्शन में स्टार्ट होता है उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हमेशा शिफ्ट करता है। मान लो एक रिएक्शन हम लिखे टू एच आई एच टू प्लस आई टू इज एन इक्विलिब्रियम विथ टू एच आई, एच टू प्लस आई टू इज एन इक्विलिब्रियम विथ टू एच आई, ठीक है। ये हम मान लो ग्राफ बना रहे हैं, शुरू में क्या क्या लिए थे, एच टू लिए थे, आई टू लिए थे, मान ले इतना हम एच टू लिए थे इतना हम आई टू लिए थे, एच टू धीरे धीरे घटने लगा, आई टू भी धीरे धीरे घटने लगा, एच आई धीरे धीरे बढ़ने लगा। समझ आ रहा है? अल्टीमेटली तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। मान लो इस पॉइंट पे लेट एच आई वॉज एडेड, लेट एच आई वॉज एडेड, एच आई वॉज एडेड का मतलब सडनली आपने एच आई इतना कर दिया। समझ में आ रहा है? सडनली आपने एच आई कितना कर दिया, ये तो इक्विलिब्रियम पे एच आई था ना, बढ़ा दिया आपने एच आई, एच आई अगर बढ़ा दिया तो ये डिक्रीज करेगा, एच आई डिक्रीज करना शुरू, काहे काहे रिएक्शन का डायरेक्शन इधर जाएगा बैकवर्ड, एच आई डिक्रीज करेगा और फिर आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। एच आई अगर डिक्रीज किया बेटा तो हाइड्रोजन भी इंक्रीज करेगा और तब आएगा इक्विलिब्रियम पे, आयोडीन भी इंक्रीज करेगा और तब आएगा इक्विलिब्रियम पे, फिर इक्विलिब्रियम पे आ गया मान लो नया इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? क्लियर है? लेट एट दिस पोजिशन हाइड्रोजन वॉज एडेड, लेट एट दिस पोजिशन हाइड्रोजन वॉज एडेड, सो सडनली हाइड्रोजन का क्वांटिटी यहां आ गया, कौन डायरेक्शन में रिएक्शन शुरू होगा, बैकवर्ड सॉरी फॉरवर्ड, हाइड्रोजन फिर रिएक्ट किया फिर इक्विलिब्रियम पे आया। हाइड्रोजन अगर रिएक्ट कर रहा है तो
तो साथ में आयोडीन भी रिएक्ट करेगा, आयोडीन भी नीचे ग्राफ जाएगा और वो नीचे, और एचआई का ग्राफ ऊपर जाकर फिर ऐसे आएगा, फिर आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। समझ में आ रहा कैसे बना रहे ग्राफ? ग्राफ समझ में आ रहा है? ऐसा ग्राफ आप अपने से भी सोच सोच के बना सकते हैं। आयोडीन निकाल लिए, मान ले इस पॉइंट पे आयोडीन वॉज रिमूव, आयोडीन वॉज रिमूव्ड, आयोडीन का ग्राफ कौन सा है ये? तो आयोडीन के निकाल लेने से, आयोडीन के निकाल लेने से सीधे आयोडीन घट गया इतने पे, समझ आ रहा है? तो फिर धीरे धीरे आयोडीन बढ़ेगा, क्योंकि आयोडीन के निकालने से रिएक्शन, समझ आ रहा है? तो आयोडीन बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, बढ़ के फिर इक्विलिब्रियम पे आएगा। आयोडीन बढ़ेगा तो यार ये हाइड्रोजन भी बढ़ेगा, समझ आ रहा है? लेकिन एचआई क्या होगा? घटेगा, तो एचआई घट के ऐसे आएगा इक्विलिब्रियम पे, अल्टीमेटली फिर इक्विलिब्रियम पे आ गया। इसे कहते हैं डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम एट वेरियस पोजीशन। जिस डायरेक्शन में रिएक्शन रीस्टार्ट मारेगा उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट किया है। एचआई का ग्राफ ऊपर गया मैंने रिएक्शन फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट किया था, समझ आ रहा है? जैसे यहां पर बोलेंगे एचआई का कर्व नीचे आ रहा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट किया था, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट किया है, इधर भी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट किया है। अंडरस्टूड? क्लियर? ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आज तो हम लोग बेसिक डिस्कस किए, अगले क्लास से और ज्यादा क्लियर होगा। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल।